नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स मैं गौरव चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स आप सबका स्वागत करता हूं तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये मैंने जो पार्ट टू था ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स उसका मैंने लास्ट यहां पर मतलब लेक्चर को ख़त्म किया था आज हम आगे पार्ट थ्री की तरफ मूव करेंगे तो इससे पहले पार्ट में हमने देख लिया था कैसे ब्लॉक डायग्राम को मतलब रिड्यूस किया जाता है कॉम्प्लेसिटी को कम किया जाता है हालाँकि हम अभी एग्जाम्पल तक नहीं पहुँचे थे बट फिर भी हमने काफ़ी चीज़ें कवर अप कर ली थी जो कि हम एग्जाम्पल में करेंगे तो चलिए आज हम आगे कर पढ़ते हैं ये कुछ हमारे ब्लॉक डायग्राम ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम्स हैं जैसे कि ये एक्चुअली में ओवरऑल समरी है मैं पहला देखाता हूँ जैसे कम्बाइनिंग ब्लॉक इन कैसकेड अगर कैसकेड में होता है तो उन दोनों ब्लॉक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है गेन का जो कि ओवरऑल कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होता है जैसे कि आप देख रहे हैं पी वन इंटू पी टू सिमिलरली कम्बाइनिंग ब्लॉक्स इन पैरल और एलिमिनेटिंग अ फॉरवर्ड लूप यानी अगर हम इस फॉरवर्ड लूप को एलिमिनेट करें तो आप देख सकते हैं पी वन एक्स प्लस माइनस पी टू एक्स ये एक्स यहाँ पर गया और यहाँ पर गया तो पी वन प्लस पी टू और ब्रैकेट में एक्स ले लीजिए या फिर मतलब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ओवरऑल वो कुछ ऐसे रिप्रजेंट होगा या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं पी टू और इस तरीके से आपने लिख दिया हालाँकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो गया बट ठीक है चल सकता है तीसरे पॉइंट को जैसा कि हम देख रहे हैं रिमूविंग अ ब्लॉक फ्रॉम अ फॉरवर्ड पाथ यानी आपने फॉरवर्ड पाथ से इस ब्लॉक को रिमूव कर दिया चलिए फिर आगे देखते हैं एलिमिनेटिंग अ फीडबैक लूप एलिमिनेटिंग अ फीडबैक लूप जिसमें हम क्या कर रहे हैं ये कुछ इस तरीके से है हमने ओवरऑल इसको कुछ ऐसे लिख दिया या इसका इक्वलेंट ये भी है जो कि फिफ्थ पॉइंट है रिमूविंग अ ब्लॉक फ्रॉम अ फीडबैक लूप दरअसल मैं स्टूडेंट्स को इसके लिए ये वाला और इसके लिए ये वाला ही मतलब कंसिडर करने के लिए बोलूँगा ये कुछ एक स्पेशल केस है जो कि आप देख सकते हैं जिसमें आपने क्या किया है दरअसल ये जो पर्टिकुलर है इसको आपने यहाँ पर ला कर के रख दिया है मतलब एक ब्लॉक को आपने दरअसल इधर कंसिडर कर लिया है जो कि यहाँ पर शो हो रहा है चलिए हम आगे देखते हैं इस एग्ज़ाम्पल को हम आगे क्लियर करेंगे तो ये कुछ हमारे ब्लॉक डायग्राम की ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम है जो कि समरी में थी और इसके आ आग, अगर आगे देखते हैं हम जैसे सिक्स ए पॉइंट है रीअरेंजिंग समिंग पॉइंट्स जैसे कि ये कुछ इस तरीके का दे रखा है इसको हमें अरेंज किया जैसे डब्लू एक्स और वाई तो डब्लू और वाई ले लिया और वाई और मतलब एक्स को हमने ये जो एक्स था वो हमने यहाँ लिख लिया और वाई दल लिख लिया मतलब हमने इंटरचेंज कर दिए इनपुट्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा चाहे भले सबमिशन हो या मतलब कोई और हो जैसा कि हम मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं लेकिन वो कैस्केड में हो तो वो कम्यूटेटिव मतलब आप पहले इसको लो या इसको लो या इसको लो या उसको लो, लो बात बराबर है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस माइनस साइन है हाँ अगर यहाँ पर माइनस होता है यहाँ पर प्लस होता तो हम ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकते थे रीअरेंजिंग समिंग पॉइंट्स ये एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमने रीअरेंज किया है सिक्स बी में अब इसमें चेंज क्या है डब्ल्यू एक्स और जेड यहाँ पर है वाई सॉरी माफ़ कीजिएगा और डब्लू एक्स और वाई बस हमने एक समर और इधर लगा दिया यहाँ से इसको इधर कर दिया तो भी बात एक ही है यहाँ पर एक्स प्लस वाई होकर के वो डब्लू से ऐड हो रहा है और यहाँ पर डब्लू प्लस एक्स और वाई से ऐड हो रहा था तो वो एक ही रिप्रेजेंटेशन है बस आपका डिपेंड करता है जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आप उसको कैसे मतलब रिड्यूस कर पाएंगे जिससे कि आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल के आ सके फिर सेवन पॉइंट है मूविंग अ समिंग पॉइंट अहेड ऑफ अ हेड ऑफ अ ब्लॉक यानी अगर आप इधर लाते हैं जो कि हमने हमारे बोर्ड वाले क्लासरूम में भी देखा था लेक्चर में तो वन अपॉन पी होता है और जो इस ब्लॉक के अप्र मतलब इधर लाते हैं यानी इसको मैं इधर लेके आया तो यहाँ पर हमारा वन अपॉन पी आ गया और अगर हम बियॉन्ड लाते हैं इसके मतलब इसी के डायरेक्शन में लाते हैं तो पी आ जाता है मतलब ये यहाँ पर है तो सिंपली पी आ जाता है जिसको हमने सिग्नल देके के सोल्व करके भी दिखाता तो हम आगे देखते हैं फिर नाइन्थ जो हमारा पॉइंट है मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ अ ब्लॉक यानी इसको अगर मैं यहाँ लाता हूँ तो क्या होता है जो हमारा ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक का जो गेन है उस गेन से मल्टीप्लाई हो जाता है हमारा सिग्नल ठीक है और दूसरा है मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट बियॉन्ड अ ब्लॉक यानी अगर यहाँ पर इस तरफ ला रहे हैं इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो रेसिप्रोकल से हो जाता है ठीक है और अगर हम बात करें मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ अ समिंग पॉइंट अब बात आती है कि अगर ये वाला पॉइंट है इसको हम इधर ला रहे हैं तो हमारा क्या होगा यानी z इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई यानी यहाँ पर एक पॉइंट है अब मैं इसको यहाँ ला रहा हूँ ये हम एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम माफ कीजिएगा हम इसको क्वेश्चन में सॉल्व करके देखेंगे जहाँ स्टूडेंट्स इसको खुद से प्रैक्टिस करें क्योंकि जितना मैंने कराया है इससे पहले बोर्ड वाले लेक्चर था उसमें देखा था और इस कल की क्लास में था तो एक बार इसको खुद से सॉल्व करें ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है हालाँकि इसके क्वेश्चनस थोड़े से कम ही रहते हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे फिर ट्वेल्थ में हम देखते हैं मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट बियॉन्ड समिंग पॉइंट यानी इसको अगर मैं इधर लाऊँ तो क्या होगा तो इस तरीके का हमारा कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा यानी इलेवेंथ और ट्वेल्थ एक बार स्टूडेंट खुद से ट्राई करें फिर इसको नहीं तो मैं जब ट्यूटोरियल का एक मैं लेक्चर लूंगा उसमें हम इसको सॉल्व करके देखेंगे रिडक्शन ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक डायग्राम्स तो चलिए हम फाइनली इनकी स्टेप्स पढ़ लेते हैं द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ प्रैक्टिकल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज़ ऑफन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड जैसा कि मैंने बताया पिछले दो तीन लेक्चर से डिस्कस कर रहा हूँ इट में इंक्लूड सेवरल फीडबैक और फीड फॉरवर्ड लूप्स यानी उसमें बहुत से फीड feed, मतलब फीडबैक हो सकते हैं बहुत से उसके अंदर लूप हो सकते हैं या बहुत से इनपुट हो सकते हैं इवन आउटपुट भी हो सकते हैं वो डिपेंड करता है हमारे सिस्टम टू सिस्टम बाई मीन्स ऑफ सिस्टमेटिक ब्लॉक डाइग्राम रिडक्शन यानी हम ब्लॉक डाइग्राम रिडक्शन टेक्निक से जो भी मल्टीपल लूप है लीनियर फीडबैक सिस्टम है उनको हम रिड्यूस कर देते हैं एक कैनिकल कैनोनिकल फॉर्म में इकनोनिकल फॉर्म मींस एक के आगे एक ब्लॉक लगे हुए और फाइनली हम उनको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल ब्लॉक से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब देख लीजिए ये कुछ हमारी स्टेप्स हैं स्टेप वन है कंबाइन ऑल कैसकेट ब्लॉक्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन वन ट्रांसफॉर्मेशन वन मीन्स जो भी हमारा कैसकेट है हमने उसको मल्टीप्लाई किया उसके गेंद को कम्बाइनिंग ऑल पैरल ब्लॉक्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन टू जो कि हमने देखी पहले भी देख लेते हैं ये ये रहा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन टू सिंपली जिसमें आप देख पा रहे हैं पैरेलल ब्लॉक यानी ये P1 और P2 इनको ऐड किया तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया और ये ट्रांसफॉर्मेशन वन है कुछ ऐसा आ गया तो हम आगे देखते हैं एलिमिनेट ऑल माइनर फीडबैक लू यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ़ोर यानी जो भी फीडबैक हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशन फ़ोर से आप हटाइए शिफ्ट समिंग पॉइंट्स टू द लेफ्ट एंड टेक ऑफ पॉइंट टू द राइट देखिए स्टूडेंट्स दरअसल ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से ही होगा स्टेप्स ठीक है मेंशन कर दी हैं कि ठीक है आप मान के चलिए आपको लेफ्ट में दिख रहा है तो राइट में देखिए लेकिन जब क्वेश्चन आएगा वो तभी समझ में आएगा आपको राइट में शिफ्ट करना है या लेफ्ट में शिफ्ट करना है हालांकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ और जो भी मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं बट फिर भी आपको ये सारी स्टेप्स पता होनी चाहिए फिर फिफ्थ है रिपीट स्टेप्स वन टू फोर अंटिल कैनोनिकल हाँ कहने का मतलब हम तब तक उसको सॉल्व करते रहेंगे जब तक हमारा फाइनली हमें ये नहीं दिख जाए कि हाँ ठीक है हमारा एक सिंगल ब्लॉक से वो रिप्रेजेंट हो रहा है फिर सिक्स से रिपीट स्टेप्स वन टू फाइव फॉर ईच इनपुट एज रिक्वायर्ड ठीक है अगर दो से ज़्यादा इनपुट है तो वो हमारे डिपेंड करेगा लेकिन वैसे अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन निकालते हैं तो एट अ टाइम हम एक ही इनपुट लेते हैं और दूसरे इनपुट को हम जीरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं यानी उस इनपुट को हम दिखाते नहीं हैं अब देख लेते हैं फाइनली हम एक एग्जाम्पल जिसको मैं ट्यूटोरियल के बोर्ड में भी सॉल्व करके दिखाऊंगा बोर्ड वाले लेक्चर पे पर देख लेते हैं क्वेश्चन है हमारा रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम टू कैनोनिकल फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म मतलब फाइनली हमें रिडक्शन करना है तो चलिए देख लेते हैं अब आप देख रहे होंगे तो पहले आप गौर से देखिए पहले इस वाले पोर्शन को अब ये देख रहा है आपको कि ये यहाँ पर ये कैसकेट में मतलब ये जी वन और जी फोर मल्टीप्लाई हो जाएंगे सीधे सीधा ये एच वन इसके पॉजिटिव फीडबैक में जा रहा है और आप देखिए यहाँ से इनपुट जा रहा है ये और ये पैरेलल में है ठीक है तो यानी जी वन और जी फोर जैसा कि मैंने बताया स्टेप वन में पैरेलल में जी थ्रू जी थ्री और जी टू फाइनली कुछ ऐसा निकल के आया अब देखते हैं हम आगे इसकी क्या मतलब कितना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूज़ हुई ठीक है स्टेप थ्री में अब जो भी हमारे फीडबैक थे जो मैंने बताया अब क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक था तो ये तो हुआ हमारा जी और ये वो हमारा एच यानी जी वन जी फोर ओपन वन माइनस आप पिछला लेक्चर देखिए वन माइनस जी वन जी फोर एच वन ये इसका ओवरऑल निकल के आया अब हमारा स्टेप फोर बोल रहा है शिफ्ट समिंग पॉइंट्स टू द लेफ्ट एंड टेक ऑफ पॉइंट टू द राइट ऑफ द मेजर लूप यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन सेवन टेन एंड ट्वेल्व हावेवर इन दिस एग्जाम्पल स्टेप फोर डज नॉट अप्लाई इसलिए मैंने कहा कि स्टेप्स का हमें पता होना चाहिए कि इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं लेफ्ट में लेके जाऊँ या राइट right में लेके जाऊँ तो क्या इफेक्ट आएगा तो हम देखते हैं कि ओवरऑल पहले तो हमारा जो निकल के आया वो कुछ ऐसा आया देखिए ये जब सॉल्व हुआ ये फीडबैक से सॉल्व हो गया तो यहाँ पर और ये कुछ ऐसा सॉल्व हुआ मतलब ये और ये इसके साथ में एक फीडबैक है और है तो ओवरऑल कुछ ये ऐसे रिप्रेजेंट हो गया ये और मतलब पहले तो कैसकेट में थे उसके साथ में जो फीडबैक लगा था ओवरऑल एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन आ गया और एक ट्रांसफर फंक्शन ये निकल के आ गया और उसके बाद में ये फीडबैक में जा रहा है तो अगेन ये दोनों कैसकेट में हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर केसा दिख रहे हैं आपको मतलब जी टू प्लस जी थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे इस पर्टिकुलर ब्लॉक से और फाइनली ये नेगेटिव फीडबैक है तो हमारा ये फाइनली निकल के आएगा कुछ ऐसा मैंने इसका सॉल्यूशन दिखा नहीं है कोई बात नहीं बट ओवरऑल इसको स्टूडेंट्स जहाँ तक मैं बताता हूँ बोर्ड से आपको ज़्यादा समझ में आएगा बट फिर भी कोशिश कीजिए इसको इस तरीके से देखने की क्योंकि मैंने इसको इसलिए लिखा है ताकि स्टूडेंट्स जब इन को लेक्चर को देखें इस पीपीटी वाले को नोट डाउन कर सकें हालांकि बोर्ड से भी आप नोट डाउन कर सकते हो लेकिन इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो मे भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट उसको नोट डाउन नहीं कर पाए क्योंकि बोर्ड वाला तो वो नोट कर लेगा बट एक होता है कि जो वोकली बोला हुआ है वो शायद कम्प्लीटली हंड्रेड परसेंट नोट डाउन नहीं हो पाए तो फाइनली आप देख रहे हैं कि ये जो निकल के आया ये यह यहाँ पर इसका एक ओवरऑल एक बन गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन हम बोल सकते हैं गेन और फिर ये जो फीडबैक में लगा हुआ है मतलब ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म सी अपॉन आर आएगा हमारा वन वन तो नीचे रहेगा जी अपॉन वन माइनस जी एच ये तो पूरा जी है और ये एच है चलिए हम आगे देख लेते हैं एक क्वेश्चन और सिंपलीफाई द ब्लॉक डायग्राम अब हमें कुछ ये ब्लॉक डायग्राम को सिम्प्लीफाई करना है ये क्वेश्चन देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है एक बार के लिए बट देख लेते हैं बाय मूविंग समिंग पॉइंट ऑफ द नेगेटिव फीडबैक लूप कंटेनिंग एच टू एच टू को हम अगर कहाँ करें आउटसाइड द पॉजिटिव फीडबैक लूप कंटेनिंग एच वन अगर हम इसके इधर ले हैं तो शायद हमारे ये तीनों जी वन जी टू तो कैस्केड में आ जाएंगे और फिर ये दो सम्बर इधर रहेंगे चलिए देखते हैं क्या है वी ऑप्टन फिगर नीचे आ गया आपका फिगर यानी हम इसको इधर ले आए तो अब जो हमने वो लगाया इस जीवन के इधर लाया तो हमारे रेसिप्रोकल में रहेगा तो एस टू वन हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया ये बाकी तो undisturbed रहे ठीक है तो हम आगे देखते हैं फिर हमने क्या किया एलिमिनेटिंग पॉजिटिव फीडबैक लूप अब जो हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक लूप था हमने उसको एलिमिनेट कर दिया किसको ये वाला हमारा हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम कैसे भी करके कुछ ऐसे फॉर्म में लाएँ मतलब पहले तो हमने क्या किया इसको इधर लिया है मतलब इसको इधर लिया है तो ये हमें कैसकेड में मिल गए और ये इसके साथ में हमें ये एक फीडबैक में मिल गया तो हमारा क्या आया जी वन जी टू अपन वन माइनस जी वन जी टू एच वन तो फाइनली हमारा कुछ ऐसा रिड्यूज हो गया ब्लॉक डाइग्राम अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों कैसकेड में हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए ठीक है और फिर उसके बाद में ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो ये इसके साथ में नेगेटिव फीडबैक में है तो फाइनली हमारा कुछ ऐसा आया जी वन जी टू जी थ्री अपोन वन माइनस जी वन जी टू एच वन और प्लस जी टू जी थ्री एच टू मतलब इसको हमने इसके साथ में सॉल्व कर लिया नेगेटिव फीडबैक के टर्म्स में ठीक है स्टूडेंट्स और फिर ये यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है तो हमारा कुछ ऐसा निकल के आया अब ये क्या क्या आया इसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। बट ये स्टेप्स हैं आप इन स्टेप्स को गौर से देखिए कि कैसे ब्लॉक डायग्राम हमारा रिड्यूस होता चला जा रहा है फाइनली हमें सी अपॉन आर हमें मिल रहा है एक एक पर्टिकुलर ब्लॉक से फिर हम एग्जाम्पल सिक्स देखते हैं रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम अब हमें इस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करना है तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ चीज़ें तो आपके मतलब फीडबैक में आपको हो सकता है दिख रही हूँ दिख रही हैं बिल्कुल कैसे देखिए ये एच वन है ये फीडबैक में आ रहा है ओके तो क्या मैं अगर इसको इधर ले आऊँ तो क्या होगा चलिए देखते हैं फर्स्ट टू एलिमिनेट द लूप जी थ्री जी फोर एच वन देखिए मैंने अगर ईमानदारी इम, से बात की जाए तो मैंने इस लाइन को पढ़ा ही नहीं था तो ये आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस बताता है वी मूव एच टू बिहाइंड ब्लॉक जी फोर यानी इस पॉइंट को हम इधर ला रहे हैं चलिए ठीक है देखते हैं ऐसा कुछ हमारा तैयार हो गया यानी टेक ऑफ पॉइंट को हमने इस ब्लॉक के इधर इस ब्लॉक के जो गेन है इससे लिया है तो इस गेन से हमारा डिवाइड हो जाएगा अब फाइनली हमें एक तो ये पॉजिटिव फीडबैक मिल गया जो कि ये दोनों तो कैसकेट में हैं तो चलिए आगे चलते हैं एल्यूमिनेटिंग द लूप G4 G3 G4 H1 बिल्कुल मैंने जो बात करी G3 G4 H1 की ठीक है आगे चलते हैं अब हमने कुछ एलिस्सा एलिमिनेट किया यानी इसमें देखिए इसको निकाला तो ये हमारा समिंग ख़त्म हो गया अब ये इसके साथ कैशकेट में मिल जाएगा तो कुछ हमारा ऐसा आ गया ये इसके साथ कैश में मिल गया ये तो एक ओवरऑल बन गया गेन सॉल्व हो एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट हो रहा है तो ये इसके साथ कैसकेट में चला जाएगा ये जब इसके साथ कैशकेट में चला जाएगा तो अब ये वाला ये वाला हमारा एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बन रहा है ठीक है आगे, आगे देखें ये देखिए द एलिमिनेटिंग द इनर लूप कंटेनिंग एस टू अपॉन जी फोर वी ऑफ ये देखिए आप मतलब ये सॉल्व हो के ये ये पर्टिकुलर सॉल्व हो के यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है अब हमारा एक समिंग पॉइंट और बचा है तो अब ये जीवन और ये ये दोनों कैसकेट में और फाइनली इसके साथ नेगेटिव फीडबैक में तो हमारा कुछ ऐसे आएगा जो कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है अब आप देखिए हम कहाँ से हम शुरू हुए थे यहाँ से कितना कॉम्प्लिकेटेड एक ब्लॉक डायग्राम था हमने एक पॉइंट को इधर लाए तो हमने इसको सॉल्व किया इसको सॉल्व किया तो हमारा फिर ये सॉल्व हुआ और ये सॉल्व हुआ तो फिर ओवरऑल सॉल्व हो गया यानी हमें कुल तीन स्टेप लगी देखिए वो सॉल्व हो गया और उसके बाद में इसकी बारी आ गई इसकी बारी आते ही ये पूरा एक पर्टिकुलर ब्लॉक से रिप्रेजेंट हो गया और फिर इसकी बारी आ गई तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कुछ हमारे क्वेश्चन ब्लॉक डायग्राम के बनते हैं हालाँकि मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि सॉल्व कैसे करना है टेक ऑफ पॉइंट समर या मतलब इन दोनों को ही आपको छेड़ना है टेक ऑफ़ पॉइंट के इधर ले जाना है या उधर ले जाना है आपको दिख रहा है अच्छा ये पैरेलल में तो ठीक है सॉल्व कर लो अच्छा ये नेगेटिव फीडबैक में तो इसको मैं वन माइनस माफ़ कीजिएगा जी ओपन वन माइनस जी एच या वन प्लस जी एच पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक के ऊपर डिपेंड करेगा अच्छा टेक ऑफ पॉइंट को मैं लेफ्ट में जाऊँ तो मुझे रेसिप्रोकल से गेन के मल्टीप्लाई करना है या सिंपल गेन से मल्टीप्लाई करना है अच्छा राइट right में लाऊं तो रेसिप्रोकल से करना है तो इस तरीके से मेरे को ध्यान में रखना है ब्लॉक अगर आप सिंपली उसको रिड्यूस करेंगे रूल प्रॉपर लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम आएगी अब एक क्वेश्चन ये है ये एक पर्टिकुलर ऑथर का नाम है उसका पेज टू फोर्टी टू का एग्जाम्पल है आप क्वेश्चन देखिए एक बार इसको हमें रिड्यूस करना है तो आप देख रहे हैं सबसे पहले ये G2 G3 और ये हमें इसको सॉल्व करना होगा सबसे इनर मोस्ट को फिर ये सॉल्व होगा तो ये एक बन के आएगा तो फिर ये सॉल्व होगा फिर एक पर्टिकुलर उसका जो मतलब रिजल्ट आएगा वो फिर इसके साथ सॉल्व होगा फिर वो और इसके कैस्केड में होगा चलिए देख लेते हैं क्या मैंने सही बताया है फर्स्ट द थ्री सम इंजंक्शन कैन बी कोलेब्स इनटू सिंगल सम इंजंक्शन बात एक ही है कि इनको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं या फिर एक सिंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हालांकि ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन उससे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाए उससे आप मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़ नहीं हो जाए तो आप उससे रिप्रेजेंट करें या ना करें या फिर आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे कि मैंने बताया ऐसे सॉल्व कर लीजिए फिर वो जो निकल के आएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर लीजिए फिर जो नेट रिज़ल्ट आएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर लीजिए हालांकि बात एक ही है क्योंकि समर में हमारे कितने भी इनपुट हो सकते हैं कम से कम दो तो हों उसके बाद कितने भी हों और एक कम से कम आउटपुट हमारा होना ज़रूरी है तो यह आपने देखा और हालांकि इसके में हमें सिर्फ रिड्यूस ही करना था इसको हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना था तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लें चाहें तो फिर सेकेंड रिकोगनाइज द दैट द थ्री फीडबैक थी के आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो सिंगल सोर्स की तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं एच वन हाँ एक ये भी तरीका है आप चाहें तो जो मैंने बताया कि चाहें तो आप इसको अगर ऐसे एस, सॉल्व कर सकते हैं फिर इसका नेट आया तो फिर उसको उसके साथ सॉल्व करें फिर नेट आया तो इसके साथ सॉल्व करें लेकिन क्योंकि इन तीनों का इनपुट एक पॉइंट जो मैं मिस कर रहा था इन तीनों का इनपुट एक ही है यानी ये पैरेलल में है बस हमें इनकी पोलैरिटी देखनी है माइनस प्लस और माइनस तो देखिए ये मेरे जो मेरा जो सॉल्यूशन बताया उसे ये ज़्यादा आसान हो गया देखिए सिंपली उन तीनों को ऐड किया और एक फीडबैक के साथ में दे दिया अब आप इसको जनरली सॉल्व कर लीजिए ये ज़्यादा जल्दी आपको आंसर देगा और लेस कॉम्प्लिकेटेड देगा देख लीजिए नहीं कुछ ऐसा आया आपका निकल के तो स्टूडेंट्स डिपेंड करता है आप क्या अप्रोच लगाते हैं इसके बाद में हमारा ये है कि फॉर द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम डिटरमाइन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में फाइंड करना है फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोल रेशियो फीडबैक रेशियो एरर रेशियो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड क्लोज लूप पोल्स एंड जीरोज़ पोल्स एंड जीरोज़ को हम बाद में देखेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन तो इसके लिए हमें क्या करना होगा हमें इसको सॉल्व करना होगा कॉम्प्लिकेटेड जो फॉर्म है उसको हमें सॉल्व करना होगा कैसे जैसे कि ये दे रखा है तो हमने इसको सॉल्व किया के अपॉन एस प्लस बनाया ये फिर फीडबैक में गया और ये ज़ीरो पॉइंट तो एक कांस्टेंट है तो हम आगे देखते हैं सिंपली जी अपॉन वन प्लस जी एच क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है तो के ऐसा कुछ हमारा आया और फाइनली इसको हमने फिर से सॉल्व कर लिया तो ये तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन हुआ बी अपॉन ई जी एस और एच एस जो कि हमारा ओपो लुप ट्रांसफार्मक्शन होता है क्लोज लुप ट्रांसफार्मंक्शन तो तब होता है upon, uh, loop, जी अपॉन क्लोज ओपर जी अपॉन वन प्लस जी एच ओपोलो सिंपल जो फीड फॉरवर्ड और उसके मल्टीप्लाई किया तो आपका ओपो लूप होता है जिसमें हम क्या करते हैं जो हमारा फीडबैक है हम उसको ये जो फीडबैक है यहाँ पर हम इसको नहीं देते हैं तो जी और एच हमारे एक तरीके से कैस्केड uh, में हो जाते हैं तो इसलिए हम जी अपॉन आम जी इन एच कर देते हैं फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है हमारा सी अपॉन ई सी अपॉन ई जो कि मैंने पिछले स्लाइड्स में देखा था जो कि सिंपल सी ये ए हमारा ई e है तो मतलब सिंपली जी कंट्रोल रेशियो सी अपॉन आर सी अपॉन आर जी अपॉन वन प्लस जी एच ये हमारा कंट्रोल रेशियो होता है जो कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के इक्विलेंट है फीडबैक रेशियो यानी बी अपॉन आर बी क्या है हमारा बी है हमारा आ, एक मिनट हाँ जी एच एस अपॉन वन प्लस जी एच एस बी अपॉन आर ठीक है बी यानी यहाँ पर आउटपुट और इसकी बी यानी आउटपुट ठीक है और इसके अलावा फिर हमारा एक और होता है एरर रेशियो ई अपॉन आर जो कि होता है वन अपॉन वन प्लस जी एच और क्लोज ट्रांसफर फंक्शन और कैश इक्वेशन दिस यानी इसमें तीन चार पॉइंट हैं जिसको मैंने अभी स्किप कर दिया है वो आपके आगे टाइम डोमेन चैप्टर में आएंगे तो उसको मैं आगे देखूंगा। तो अभी के लिए यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल को यहीं रोकते हैं एग्ज़ाम्पल नाइन आप ख़ुद से एक बार सॉल्व करके देखें और ये एग्ज़ाम्पल टेन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स चाहे तो उसको देखें मैंने इसको इंक्लूड किया है एक बार इसको देख लें इसको अभी के लिए मैं बस आपको शो कर रहा हूँ ऐसा कुछ रिड्यूस होके आएगा फाइनली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट ठीक है स्टूडेंट्स चाहे तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कर सकते हैं और ये कुछ इसको सॉल्व करने का है आपका ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये कोई और एग्जाम्पल है देखिए पहले तो हमने क्या किया इस समर को हम इधर ले गए, ठीक है फिर फाइनली हमने इनपुट को इंटरचेंज कर लिया देखिए फिर ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक हो गया ये हमारा शुरुआत का ऑप्शन था ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया फिर ये कुछ ऐसा आया फिर ये दोनों कैसकेट में फिर इसके साथ मिल गया और हमारा ओवरऑल ये रिड्यूस होके आया ये नेगेटिव फीडबैक में उसके साथ यूनिटी फीडबैक में ये हमारा ओवरऑल आंसर निकल के आया ऐसे ही हमारे एक और एग्जाम्पल है ये देखिए ये कुछ ओवरऑल ऐसा आया पहले हमने इसको सॉल्व किया ये लूप वन हमने ये माना जो कि नेगेटिव फीडबैक में है इसको सॉल्व कर लिया तो ये निकल के आया फिर पिक ऑफ़ पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट ए ए को हम कहाँ ले गए बिहाइंड ब्लॉक इस ब्लॉक के इधर ले गए तो जिससे हमारा कुछ ये निकल के आया ठीक है फिर अब क्योंकि ये हमारा सेकंड है इसको हमने सॉल्व किया तो कोई एक फ़ीडबैक लूप नहीं है ये ध्यान रखना ये फीडबैक में नहीं जा रहा है ये दोनों पैरेलल में हैं एग्जैक्टली एच थ्री प्लस एच वन फीडबैक में नहीं है स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान रखना फिर ये हमारा कुछ ऐसे निकल के अब ये फीडबैक में है फाइनली हमारा वाई पॉन आर निकल के आया अब सुपर पोजिशन ठीक है आप चाहें तो देखें मल्टीपल इनपुट्स का मैं अभी इसको दिखा रहा हूँ मल्टीपल इनपुट में ये होता है कि अगर हमें जैसे c ओपन आर देखना है तो हम u को ज़ीरो कर देते हैं अगर हम u को ज़ीरो कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एक सिंगल इनपुट रह गया तो ये सिंगल लाइन ही से ही रिप्रेजेंट होगा सिंपल जी वन जी टू यानी सी ओपन आ रहा है जी वन जी टू और जो उसके साथ में एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक जा रहा है सिंपल पुट आर इक्व टू जीरो अगर हम सी ओपन यू चाह रहे हैं तो आर इक्व टू ज़ीरो करेंगे तो कुछ हमारा ऐसा आएगा अब हमने माइनस वन क्यों किया क्योंकि यहाँ पर आर को ज़ीरो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव मतलब पोलैरिटी नेगेटिव जा रही है तो माइनस वन से हम रिप्रेजेंट कर देंगे जिससे कि कन्फ्यूज़न नहीं हो कुछ ऐसा तो ये ठीक है ये भी सॉल्व हो जाएगा इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके देखते हैं ऐसे जैसे कि आप देख सकते हैं जीवन को हम मतलब हमने क्या किया यहाँ पर ले आया है इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए और कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया तो हमारा सिंपल है ये ये माइनस जी वन और ये मतलब माइनस को इधर ला दो तो जी टू और जी वन दोनों फीडबैक में हैं, नेगेटिव फीडबैक में सिंपल हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया जी पॉन वन प्लस जी एच एच यहाँ पर जी वन है और जी जी टू है ऐसी एक और एग्जांपल है इसका पहले से देख लेते हैं हम तो ये ठीक है ये वो सॉल्व होके आया हाँ अगर टोटल आउटपुट पूछ रहा है तो हम मतलब पहले हमने एक बार तो हमने आर को ज़ीरो किया दूसरी बार हमने यू को जीरो किया तो दोनों को सम कर देंगे जिसको हमने सुपर पोजिशन थियोरम के नाम से दिया है हालांकि ये डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं ये अगेन एक और क्वेश्चन है तीन इनपुट हैं तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट चाहें तो उसको देखते चलें एक बार स्टूडेंट्स पर ये फोकस करें कि रिडक्शन कैसे हो रहा है मेन चीज एक और क्वेश्चन है अब यहाँ पर दो आउटपुट हैं मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट तो हमें अगर जब दो आउटपुट देखने हैं तो अगर हम सपोज कि कोई एक आउटपुट देख रहे हैं तो दूसरे आउटपुट को हम शो नहीं करते ज़ीरो नहीं करते बट उसको हम शो नहीं करते इनपुट में तो हम ज़ीरो कर देते थे तो एक बार हमने सी टू को इग्नोर किया तो कुछ हमारा ऐसा ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस हो आया हम लेटिंग आर टू इक्वल्स टू जीरो मतलब एक इनपुट को हमने ज़ीरो किया तो कुछ इस तरीके से आया अब एक बार हम सी वन को इग्नोर करेंगे तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा ये देखिए फाइनली आया C2 टू बराबर ये। अभी आपके लिए एक स्किल है एक बार इसको आप सॉल्व करके देखिए जो कि ज़्यादा ज़रूरी है उसका ये आंसर है फाइनली स्टूडेंट्स मुझे लगता है ये इस लेक्चर का एंड हो गया है अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर कमेंट करें अपना ध्यान रखें और कोरोना महामारी में अपना और अपने परिवार का ज़रूर ध्यान रखें और साथ के साथ पढ़ाई को अपने बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें थैंक यू